हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू और बी प्लस यूज्ड टू। बी प्लस यूज्ड टू का मतलब होता है वाज यूज्ड टू, इज एम आर यूज्ड टू और विल बी यूज्ड टू का। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यूज्ड टू और वाज यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में कि अगर आप समझे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का मीनिंग और इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं आई यूज्ड टू बोलता हूँ तो हम इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे वॉज के साथ, क्योंकि यूज टू भी पास्ट है और वॉज यूज टू भी पास्ट है, राइट? तो ये मत कहिएगा कि वॉज यूज टू पास्ट है और यूज टू पास्ट नहीं है, क्योंकि ये भी सेकेंड फॉर्म है। सो आई यूज टू, इसका मतलब होता है रेगुलर एक्शन ऑफ पास्ट। तो जो काम आप पहले रोज करते थे अब आपने छोड़ दिया है वो होता है यूज टू। अगर मैं पहले रोज स्कूल जाता था और अब स्कूल नहीं जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई यूज टू गो टू स्कूल, राइट? सो यूज टू कहलाया जाता है रेगुलर एक्शन इन पास्ट, जो काम आप पहले करते थे रोज अब आप किसी वजह से नहीं करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं आई यूज टू स्मोक, तो उसका क्या मतलब है, आप पहले सिगरेट पीते थे अब आपने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। वेयर एज अगर मैं आई वॉज यूज टू पे आता हूं या आई एम यूज टू या आई विल बी यूज टू पे आता हूं तो इसका मीनिंग होता है हैबिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की आदत। किसी चीज की आदत आते ही हम आई एम यूज टू या आई वॉज यूज टू बोल सकते हैं। तो अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में, एग्जाम में आएगा आई वॉज यूज टू, आगे मैं गो टू स्कूल लिख सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज़ की आदत थी, आप कुछ करते नहीं थे। तो हमारे को क्या याद रखना है, वॉज यूज टू के बाद आता है या तो नाउन आएगा या जीरंड आएगा। तो आई वॉज यूज टू, किसी चीज़ की आदत डालिए तो आप लिख सकते हैं मुझे स्कूल की आदत थी, आई वॉज यूज टू स्कूल। और अगर आप गो लिखना चाहते हैं तो आपको गो की जगह जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू स्कूल। तो अगर हमें रट के जाना है तो हम इतना भी रट के जा सकते हैं कि वॉज यूज टू, इज यूज टू, विल बी यूज टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो कैसे आएगा, आईएनजी में आएगा, नहीं तो नाउन आएगा। तो अगर आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं कि आसान क्वेश्चन कैसे आता है। सो गाइस, जैसे मैंने बोला यूज टू का मतलब होता है जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते। पहले करते थे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज टू के बाद आएगा वर्ब। और वॉज यूज टू, इज यूज टू, विल बी यूज टू, किसी चीज़ की आदत थी, चीज़, चीज़ मतलब नाउन या जीरन। तो अब अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, मैंने यहाँ पे देखा आई यूज टू, आई वॉज यूज टू, तो मैं रट के जाना चाहता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा यूज टू के बाद वर्ब आता है, तो यहाँ पे हो गया मेरा आंसर बी। और वॉज यूज टू के बाद या तो नाउन आएगा या फिर आएगा जीरन, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया ए। अगर आसान क्वेश्चन आता है जो कि एक्स वाई ग्रुप के लेवल तक हमारा यहाँ पे काम चल सकता है, NDA, CDS, SSC, CGL में थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो अगेन आई वुड लाइक यू गाइज टू कमेंट, एंड कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आएगा। सो अगर हम आसान बात बोले तो यूज टू का मतलब है आप कुछ करते थे, और वॉज यूज टू का मतलब है किसी चीज़ की आदत थी। अब जब मैं बात करता हूँ आई यूज टू स्मोक एंड आई वॉज यूज टू स्मोकिंग, अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन में होगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि यूज टू स्मोक और वॉज यूज टू स्मोक में क्या फ़र्क है। पहले मैं हिंदी बोलता हूँ, यूज टू स्मोक का मतलब है मैं पहले सिगरेट पीता था अब नहीं पीता, वेयरएज वॉज यूज टू स्मोकिंग का क्या मतलब है, मुझे स्मोकिंग की आदत थी। सुनने में एक जैसा लग रहा है, स्मोकिंग की आदत थी मतलब सिगरेट पीता ही होगा, बट स्टिल द डिफरेंस बीइंग ये काम पे फोकस कर रहा है एंड दिस इज़ ओनली फोकसिंग ऑन धुआं। अब अगर मान लीजिए मैं चार लड़कों के साथ रहता हूँ और उसमें से दो या तीन लड़के सिगरेट पीते हैं और मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मुझे स्मोकिंग की आदत हो गई, मतलब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ लेकिन अगर कोई मेरे आसपास सिगरेट भी पी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट? जैसे अगर बस में कोई सिगरेट पी रहा है मैं उसे डांटूंगा सिगरेट फेंक भाई बाहर, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो क्यों अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे स्मोकिंग की आदत नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीता
बिल्कुल अलग पॉइंट हो गया, आई एम नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, मुझे उस धुएं से भी प्रॉब्लम है। तो ये जो फोकस कर रहा है, ये क्या फोकस कर रहा है कि आपको उस धुएं की आदत नहीं है, चाहे आप पी, या उस धुएं की आदत है चाहे आप पिए चाहे आपका दोस्त पिए। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग जो बाहर रहते होंगे ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि आपके सामने कोई अंकल सिगरेट पी रहे हैं, कोई फ्रेंड सिगरेट पी रहा है, तो कई बार आपको कुछ लोगों को अजीब सा लगता है, कुछ लोगों को उल्टी जैसा होने लगता है, कुछ लोगों को नहीं होने लगता, जबकि आप सिगरेट नहीं पीते, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। दिस फोकसेस ऑन मैं सिगरेट पीता हूँ, दिस फोकसेस ऑन मुझे उसकी आदत है। अब इसको समझने का आगे एक स्टेप चलते हैं। आई स्मोक एंड आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो अब मुझे ये बात समझ लेनी है कि आई यूज टू स्मोक का प्रेजेंट ग्रामर के टर्म्स में नहीं, टेक्निकली बोलूँ तो आई स्मोक होगा। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था अब नहीं जाता। आई गो टू स्कूल, मैं अभी भी स्कूल जाता हूँ। सो आई स्मोक इज मैं सिगरेट पीता हूँ, एंड आई एम यूज टू स्मोकिंग, मुझे उसकी आदत है। तो अगर अभी मेरे सामने तीन लोग सिगरेट पी रहे हैं और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं बोलूँगा आई एम यूज टू स्मोकिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई आसपास सिगरेट पी ले तो, राइट? और आई स्मोक में मैं खुद से सिगरेट पी रहा हूँ। आई होप थोड़ा सा फ़र्क समझ में आया होगा आप लोगों को। आसान क्वेश्चन क्या होगा अगर मैं इसकी जगह यूज़ कर दूँ, आई एम यूज टू समथिंग, मुझे इस क्लास की आदत है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों को अगर आदत हो गई है कि आप उठते ही मेरा, अगर आपको इंग्लिश का वीडियो देखना है तो यू गाइज टर्न ऑन आर चैनल वीडा ट्रेनर्स और आप हमारा वीडियो देखने लगते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे इन सर से पढ़ने की आदत है, आई एम यूज टू दिस टीचर, आई एम यूज टू मयंक, राइट? सो आपको किसी टीचर से पढ़ने की आदत हो गई है और आप वीटा ट्रेनर्स पे पढ़ते हैं क्योंकि आपको और कोई चैनल के बारे में नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टडी या आई यूज टू स्टडी फ्रॉम वीटा ट्रेनर्स, मैं उससे पढ़ता था, दैट्स इट, राइट? तो आई एम यूज टू, आई वॉज यूज टू, किसी चीज़ की आदत। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि अगर वर्ब आएगा तो आई एन जी आना ज़रूरी है, नहीं तो वो गलत हो जाए। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है कि जब भी मैं इज़ यूज टू, वॉज यूज टू या विल बी यूज टू लगाता हूँ और इसके साथ में आई एन जी अगर लगा देता हूँ, अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ ट्रीटिंग, मतलब इलाज करना, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, डॉक्टर को इलाज करने की आदत है, ठीक है? डॉक्टर इलाज करता है नहीं, मैं बोल रहा, डॉक्टर को इलाज करने की आदत है। आई एम यूज टू स्टडिंग इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह पढ़ने की आदत है। आप रोज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं हम नहीं पूछ रहे हैं, बट आप क्या कह रहे हैं, आपको आदत किस चीज़ की है, आपको सुबह पढ़ने की आदत है, डॉक्टर को इलाज करने की आदत है। अब अगर मैं ऊपर वाले में लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे राइटिंग लिख दिया और वॉज यूज टू है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पेन को लिखने की आदत है। क्या पेन को लिखने की आदत हो सकती है, नहीं हो सकती पेन को लिखने की आदत, तो ये राइटिंग गलत है। तो वॉज यूज टू के साथ आप अगर आई एन जी आप लगा देते हैं तो इसका मतलब है इस चीज़ को, इस चीज़ की आदत है। तो क्योंकि पेन को लिखने की आदत नहीं हो सकती तो यहाँ पे राइटिंग नहीं आ सकता, दिस इज मोर पैसिव स्पीच, राइट? सो द पेन इज यूज टू, पेन का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे इसका थर्ड मीनिंग निकल के आया, पेन का इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, लिखने के लिए। अब वापस बात करते हैं, अब हमने यूज टू से स्टार्ट किया था, यूज टू का मतलब होता था जो काम हम रेगुलरली करते थे, तो अगर मैं बोलता हूँ पेन यूज टू राइट, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि पेन पहले लिखता था, अब पेन ने लिखना बंद कर दिया, गलत है, पेन नहीं लिख सकता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बट ये बिल्कुल सही हो सकता है, मुझे लिखने की, मैं पहले लिखता था। तो जब ये नॉन लिविंग थिंग आती है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पेन इज यूज टू राइट, ठीक है? और आदमी होगा तो आदमी के साथ नॉर्मली क्या होगा, आई यूज टू राइट, ये बी फॉर्म गायब हो जाएगी, ठीक है? तो यूज टू के तीन डिफरेंट मीनिंग होगा, एक बार उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो ये तीन बेसिक डिफरेंस मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग्स हैं यूज टू के। पहला मीनिंग है आई यूज टू राइट, जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसका मतलब होगा जो काम आप पहले करते थे अब आपने छोड़ दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जो कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जो आदमी कुछ काम पहले करता था, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। सो यूज टू प्लस राइट, सेकेंड हो गया बी फॉर्म प्लस यूज टू प्लस आई एन जी, इसका मतलब होगा मुझे किसी चीज़ की आदत है, तो इसका ये गारंटी नहीं है कि मैं करता हूँ नहीं करता, बट मुझे उस चीज़ की आदत है। आई एम यूज टू प्लेइंग इन द रेन, इसका क्या मतलब है कि मुझे बारिश में खेलने की आदत है, बट ये कहीं से भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जब भी बारिश होती है मैं बारिश में चला जाता हूँ,
राइट right? अगर मैं बोलता हूँ आई प्ले इन द रेन, इसका मतलब है कि मैं बारिश में खेलता हूँ, जब भी बारिश होती है मैं बारिश में चला जाता हूँ, राइट। सो आई एम यूज टू प्लेइंग इन द रेन, मुझे बारिश में खेलने की आदत है, मैं रोज खेलता हूँ, कभी कभी खेलता हूँ, 10 साल में एक बार खेलता हूँ, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे उस चीज़ की आदत है। तो इसलिए आई एम यूज टू के बाद जब भी आई एन जी लगेगा, ये जीरंड होता है। जीरंड अगेन आपको हमारे जीरंड वाले चैप्टर में डिटेल में हम बता भी देंगे कैसे सॉल्व होता है। तो दिस वुड मीन मुझे किसी चीज़ की आदत है। एंड द थर्ड वन इज अगेन विल बी प्लस यूज टू के बाद अगर आप फर्स्ट वर्ड लिख फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है आपका इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो अगर आप लिख देते हैं आई एम यूज टू या आई वॉज प्ले फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका इस्तेमाल खेलने के लिए किया गया। तो आपका दिल टूटा हुआ है, अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, तब बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं एग्जाम्स में आऊँगा नॉर्मली ये गलत है, क्योंकि गेंद का इस्तेमाल तो हो सकता है खेलने के लिए, बट आपका इस्तेमाल खेलने के लिए हो सकता है, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा एग्जाम्स में, लेकिन हम इसको गलत कराएंगे, राइट। तो दिस इज़ आर थर्ड मीनिंग, जब मैं इज एम आर वॉज वर यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ, उसका मीनिंग होगा आपका इस्तेमाल हुआ। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.